नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी, न्यूनतम वेतन बढ़कर 25,000 रुपये। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि हम किन केंद्रीय कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जिनका न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष का पूर्ण बजट प्रस्तुत किया था जिसमें कई बड़ी घोषणाएँ की गई थी। इनमें से सबसे प्रमुख घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुई थी। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि में न्यूनतम वेतन सीमा में संभावित वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा गया था। वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 रुपये, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी पर और अधिक अपडेट सामने आ गई है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा दायरे को बढ़ाना है, जो पिछले 10 वर्षों में पहली बार होगा। पिछली बार यह वृद्धि 1 सितंबर 2014 को की गई, जब न्यूनतम वेतन सीमा 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई। इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पहले से ही न्यूनतम वेतन की सीमा 21,000 रुपये है, जो 2017 से पहले लागू है। इसे EPF और ESIC के बीच वेतन सीमा के मानकों में सामंजस्य बनाने की सीमा में कदम उठाया जा सकता है। दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वेतन सीमा 2017 से ही 21,000 रुपये है। सरकार के भीतर यह सहमति है कि दोनों योजनाओं के तहत वेतन सीमा को समान किया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए इस बजट में एक बड़े ऐलान की संभावना थी। दोस्तों, वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों वेतन और महंगाई भत्ते का 12-12% का योगदान देते हैं। इसमें कर्मचारियों का पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जमा होता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% योगदान कर्मचारी पेंशन योजना में और 3.67% PF खाते में जमा किया जाता है। यदि न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये कर दिया जाता है तो प्रत्येक का योगदान 3,000 रुपये हो जाएगा। इस स्थिति में नियोक्ता के योगदान में से 2,082.5 रुपये पेंशन कोष में और 917.5 रुपये PF खाते में आएंगे, जिससे PF खाते में 1,200 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।